75 से ज्यादा मौतें। मातम के बीच बिहार में हर तरफ हाहाकार है। जहरीले जाम की जद में जनता है। अवैध रूप से धधकती भट्टियां हर तरफ मौत का तांडव कर रही हैं। इन भट्टियों से निकली लपट न जाने कितने घरों को अपने आगोश में ले चुकी है। शराब बंदी के नाम पर जिस बिहार में सब कुछ बदल देने का वादा किया गया था, आज वही बिहार गरीबों के लिए कब्रगाह बन गया है, जिसमें दफन लोगों की आहें हुक्मरानों से सवाल पूछ रही हैं कि बताइए हमारी खता क्या है। शराब बंदी के नाम पर पूरे बिहार की आंखें नम करने वाले नीतीश कुमार और उनकी सरकार हाथ खड़े कर रही है। पक्ष और विपक्ष लोगों के जख्म पर मरहम लगाने के बजाय एक दूसरे के दामन को दागदार साबित करने में जुटे हैं। बिहार में जहरीली शराब से आई हाहाकार को लेकर नीतीश सरकार सीधे तौर पर जनता को ही गुनहगार साबित करने में जुटी है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर जहरीली मदिरा पीने वालों से किसी भी तरह की मुरव्वत के लिए मना कर चुके हैं, जबकि बिहार में मौत के लिए असली गुनहगार को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो शराब पिएगा वो मरेगा और शराब पीने वालों के परिजनों को सरकार मुआवजा नहीं देगी। शराबबंदी के बाद पूरे बिहार को मरने के लिए छोड़ देने वाले नीतीश कुमार भूल गए कि जगह जगह जो जहर तैयार किया जा रहा है उसकी निगरानी करना भी उनकी सरकार और सिस्टम का काम है। मंत्री से लेकर संतरी और डीएम से लेकर दरोगा तक उनकी सरकार के कंट्रोल में आते हैं। तो फिर बिहार में शराब पर लगाई गई पाबंदी के बावजूद गरीब जनता गुनहगार है या फिर वो जिम्मेदार गुनहगार है जिन अधिकारियों की नाक के नीचे जहरीली शराब के जखीरे तैयार किए जाते रहे? वो लोकल पुलिस जिसकी मिली भगत से पूरे बिहार में जहरीले जाम न सिर्फ तैयार किए जाते रहे बल्कि खुले बाजार में इसकी बड़ी पैमाने पर बिक्री होती रही। अब सुशासन बाबू ही बताएं कि असली गुनहगार जनता है तो फिर आपके अधिकारी और पुलिस कितने दूध के धुले हैं? कहते हैं सब कुछ लूट जाने के बाद कानून के कटीले तारों का क्या फायदा। 75 घरों को तबाह करने के बाद बिहार का सिस्टम जागा है। आज पूरे बिहार में छापेमारी हो रही है। आज हर जिले से जहरीली शराब की भट्टियां पकड़ी जा रही हैं। तो क्या ये भट्टियां रातों रात खड़ी हो गई थी? क्या नीतीश कुमार और उनकी सरकार की कोई गलती नहीं थी? बिहार में जब जहरीली शराब से शमशान पटने लगे तब बिहार सरकार की आंखें खुली, वरना अब तक तो सिर्फ शराबबंदी का डंका पीटा जाता रहा और लोग मरते रहे, पुलिस पैसे खाती रही, सिस्टम सुन्न होकर सोता रहा, औरतें बेवा होती रहीं और बच्चे अनाथ। तो फिर मुआवजा क्यों नहीं दिया जाएगा? जब शराब बंदी का डंका आप बजा रहे थे तो उस वक्त आपने नहीं सोचा था कि अगर सरकारी दुकानों से शराब नहीं मिलेगी तो लोग अवैध दुकानों पर जाएंगे। इसकी तैयारी पहले क्यों नहीं थी? शराब बंदी लागू हुए जमाना गुजर गया, लेकिन बिहार में हर रोज हजारों लीटर शराब बिकती है। कैसे बिकती रही? कैसे सुशासन बाबू के राज में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? जहां भट्टियों से निकली लौ की तपन से न जाने कितने तबाह हो गए। तो फिर इसके असल जिम्मेदार कौन है? और अगर आपके सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी तो फिर सरकार किस लिए? और अगर सरकार की जिम्मेदारी थी तो मुआवजा दीजिए सरकार।